तो गाइज कैसे हो आप सब दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स की जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी डिले हो चुकी है। अब बहुत मतलब कि हद से ज़्यादा डिले हो चुकी है। डिले तो हो ही गई है, मतलब हद से ज़्यादा हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के, और यूट्यूब पे अब वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है, तरह तरह के वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरी 100% सच्चाई बताऊंगा कि रिजल्ट क्यों आप सभी का डिक्लेयर अभी तक नहीं हो पा रहा है और आखिर कब तक होगा, अभी कितना वेट करना पड़ेगा आप सभी को। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप सभी को कि सबसे पहले तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना होगा, क्योंकि अभी तबीयत बहुत ही नाजुक है, फिर भी मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी परेशान हो रहे हो गलत गलत वीडियो और अफवाहें देख करके, कन्फ्यूजन में आप सभी हो, और नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के भी बात करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे इस टाइम में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे मिल सके। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंडियन एयरफोर्स का जो XY का रिजल्ट है वो 1 मंथ के पहले आ जाती थी, बट क्या हुआ इस बार के 2 मंथ होने जा रही है और रिजल्ट अब सभी का अभी तक नहीं आया है। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है, क्योंकि एयरफोर्स का शेड्यूल अभी गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने अभी तक इनरोलमेंट लिस्ट भी नहीं जारी किया है। इनरोलमेंट लिस्ट जारी करने के बाद ही रिजल्ट आने के चांसेज बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं पूरी सच्चाई क्या है, इनरोलमेंट लिस्ट कब आ रही है, आज या कल आ रही है, और उसके बाद रिजल्ट कब आ रही है, वो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, वेट करना आप सभी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि एयरफोर्स में मतलब कि न्यू वैकेंसी जो आने वाली है ना, उसको लेकर के अलग सा एक जो कुछ न्यू वैकेंसी जब आती है तो उसके लिए अलग से एक जो पोस्ट होती है उसको इंक्लूड करनी है, उसी को लेकर के अभी विवाद छिड़ा हुआ है, आंतरिक विवाद है वो, और उसी पर फैसला आना बाकी है। तो यानी कि कोई भी ग्राउंड रियलिटी या कुछ ऐसे करके है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, मुझे दोस्त ने बताया कि यही वजह है। वो एयरफोर्स से रिलेटेड हर एक अपडेट उनके पास आते रहता है, तो उन्होंने मुझे अभी फ़ोन करके बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं वीडियो बना देता हूँ, उनको बता देता हूँ। तो वो अपडेट जब तक डिक्लेयर नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। कब तक डिक्लेयर होगा वो अपडेट, तो अपडेट मैं बता दूँ 2 से 3 दिनों में वो सब क्लियर हो जाएगा और इनरोलमेंट लिस्ट इस वीक में आ जाएगा। मतलब कि अभी भी रिजल्ट आने में लगभग आपके 1 वीक से ज़्यादा ही टाइम लगेंगे। एयरफोर्स मनमानी कर रहा है और आप सभी किसी के बदौलत किसी के ऊपर मत कूदो कि कोई रिजल्ट हम लोग का दिलवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एयरफोर्स जब तक नहीं चाहेगा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस बात से टर्मिनेट हो जाओ एयरफोर्स रिजल्ट से, कि क्या है नहीं है, कब होगा रिजल्ट, आएगा नहीं आएगा। आपने एग्जाम दे चुके हो, आपका रिजल्ट बन चुका है, क्या परिणाम होगा वो आप सभी को खुद पता होगा, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। अगर जिनका रिजल्ट 100% श्योर है, उनको बिलीव है अपने ऊपर कि मैं इस बार क्वालिफाई कर रहा हूँ, अच्छे मार्क ला रहा हूँ मैं इस एग्जामिनेशन में, तो आप PFT पे फोकस करो भाई, मैं यही कहना चाहूँगा। रिजल्ट की ओर आप फोकस मत करो। रिजल्ट 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, किसी के ऊपर आप सभी को बिलीव करने की बात अब नहीं रही, क्योंकि एयरफोर्स अपनी मनमानी करता है, SSC अपनी मनमानी करता है, स्टूडेंट्स के यहाँ पर 0% वैल्यू दी जाती है अपने इंडियन गवर्नमेंट के सामने, है ना। तो कुछ भी नहीं चलने वाला आप सभी का और हमारा। तो प्लीज़ आप सभी जो हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो क्या कहता है ऑब्जेक्शन है, उस पर फोकस करो, ना कि किसी और चीज़ पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, कुछ नए अपडेट के साथ मिलता हूँ बहुत ही।